ओम प्रकाश राजभर ने मैनपुरी में बीजेपी की जीत का क्या दावा, कहां सपा केवल चिल्ला रही। आदाब, मैं हूं अलीसा और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया खबर बलिया जनपद से। बलिया के मनियर में शनिवार को पार्टी की एक सभा के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पिछली बार नेताजी मुलायम सिंह यादव मैनपुरी की सीट से सपा और बसपा के गठबंधन के दम पर चुनाव लड़े तो 95,000 वोटों से जीते थे। इस बार अगर केवल बसपा का वोट निकाल दिया जाए और सपा के पिछले रिकॉर्ड के आधार पर आकलन किया जाए तो मैनपुरी में लड़ाई नहीं है, सपा केवल चिल्ला रही है। मैनपुरी और रामपुर के जो उपचुनाव है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, प्रदेश में जो उपचुनाव होते हैं वो सत्ता पक्ष का होता है। अगर आप देखिए आजमगढ़, आप देखिए आगरा, रामपुर, आप देखिए भोला, अपने यूपी में जो चुनाव हुए वो सत्ता पक्ष के खाते में गया। और बड़ी चर्चा मैनपुरी लोगों के दिमाग में है। देखिए, जब माननीय नेताजी बसपा सपा गठबंधन में चुनाव लड़े तब वो 95,000 से, अगर बसपा का वोट खाली निकाल दीजिए तो मैनपुरी में क्या हाल है सपा की। तो हम जो पिछला रिकॉर्ड है उसी के आधार पे लड़ाई नहीं है, खाली चिल्ला रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उपचुनाव सत्ता पक्ष का चुनाव होता है और हम सभी पिछले उपचुनाव को देख चुके हैं कि उपचुनाव में सत्तासीन पार्टी की जीत हुई थी, ऐसे में सपा बस चिल्ला रही है। समाजवादी पार्टी पर हमलावर ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर 4 बार की सरकार की केवल गुंडाई करने, तानाशाही करने, लोगों की जमीन कब्जाने, थाना से अपराधियों को छुड़ाने का आरोप लगाया है। 4 बार की सरकार में जो समाजवादी पार्टी ने गुंडाई किया, तानाशाही किया, जमीन कब्जा किया, थाने से अपराधियों को छुड़ा के लेके चले गए, जिनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ, तो वो लोग समाजवादी पार्टी को देने को तैयार थे। वहीं अखिलेश शिवपाल के साथ पर तंज कसते हुए राजभर ने कहा कि चाचा, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, हर जगह सपा के साथ रहे तो कितने वोट दिलवा लिए। चाचा कब अलग रहे हैं आप बता दीजिए। विधानसभा चुनाव में साथ रहे हैं, लोकसभा में साथ रहे हैं, गेहूं में साथ रह के कई वोट दिला देंगे चाचा जी। जब हम सपा के साथ रहे तो ताकत दिखाई, आजमगढ़, गाजीपुर और अंबेडकर नगर में भाजपा का खाता नहीं खोलने दिया। बलिया में हमारे मित्र चुनाव लड़ रहे थे तो छोड़ दिया, दिखा दिया ताकत, अम्बेडकर नगर खाता नहीं खुलने दिया, आजमगढ़ खाता नहीं खुलने दिया, गाजीपुर खाता नहीं खुलने दिया, बलिया में हमारे मित्र लड़ रहे थे छोड़ दिया, नहीं तो दांव तो लगा ही दिया था। मैनपुरी में प्रत्याशी के सवाल पर राजभर ने कहा कि शपथ न ले पाने के कारण वहां हमारे प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया। में आपके द्वारा प्रत्याशी घोषित किया गया है जयवीर सिंह को, तो क्या मैनपुरी में आपके द्वारा प्रत्याशी का भी कोई ऐलान नहीं? देखिए, तो हमारा पर्चा खारिज हो गया है, हम लोगों ने यहाँ से पर्चा भर करके कंप्लीट करके दे दिया। सिर्फ उसकी जो प्रक्रिया होती है शपथ का, तो शपथ वो नहीं न ले पाया, न रिटर्निंग अफसर दिलाया, जबकि जिम्मेदारी रिटर्निंग अफसर की होती है। तो रिटर्निंग अफसर की चाहे चालबाजी हो, चाहे प्रत्याशी की चालबाजी जिसको कह लीजिए, तो और सब चीज ओके है, सिर्फ शपथ पत्र के न लेने की वजह से पर्चा हमारा मैनपुरी का खारिज हो गया, नहीं तो हम तो छमाही परीक्षा तो पास कर। तो ऐसे में मैनपुरी में किसको पार्टी को या बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर 2019 के चुनाव के अब नजर डाल लीजिए तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा कि कौन जीतेगा। तो आपका जब प्रत्याशी का पर्चा निरस्त हो गया तो आप किसको समर्थन देंगे? बीजेपी को देंगे करेंगे कि सपा को देंगे? हम किसी को समर्थन नहीं करेंगे, हमारे वोटर बहुत चलाएंगे। तो किसको देंगे वोट आपके वोटर? वो हमारा वोटर एकदम स्वतंत्र है, वो समझ रहा है कि हमारा भला कहाँ है। तो कहाँ भला है आपको? अब वोटर बताएगा कि हम तो रोत नहीं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा राम और मोदी पर दिए गए विवादित बयान पर राजभर ने कहा कि नेता चर्चा में आने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि 7 साल पहले जब ये बसपा में थे तो क्या बोलते थे, सपा में आए तो क्या बोल रहे हैं,
और भाजपा में थे तो क्या बोल रहे थे। मौर्य का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि क्या मोदी ने भगवान को पैदा किया है, इस तरीके का उनका एक वायरल वीडियो हो रहा है कल से ही, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, उनका वीडियो अगर आप थोड़ा सा 5 साल पहले चले जाइए या 7 साल पहले चले जाइए, तो जब बसपा में थे तब वो क्या बोलते थे, सपा में आए तब क्या बोल रहे हैं, भाजपा में थे तो क्या बोल रहे थे। उनका थोड़ा पीछे आगे का भी वीडियो निकाल के उनको दिखा दीजिए क्या बोलते थे। ये राजनीति में कहाँ इनका दाव लग जाए वहाँ ये चले जाए। समझ लीजिए, तो भगवान राम को लेकर इतनी बड़ी उनका टिप्पणी आया कि क्या मोदी आए तो राम को लेकर आए हैं, क्या इसके पहले राम नहीं थे, क्या मोदी ने ही राम को पैदा किया था, इस तरह का बयान उनका किस रूप में आप देखते हैं? ये देखिए, नेता अपने चर्चा में आने के लिए बयान बाजी करते हैं, और हम तो जब छोटे दे हूँ, हमको अंदाजा कि जूनियर हाई स्कूल में थे तब गांव में रामलीला होती थी, तब इतना वो नहीं सिस्टम था, तो एक मनोरंजन के नाम पर या रामलीला देखने के नाम पर हम लोग जाते थे गांव में। तो रामलीला तो उस समय होती थी, आज के कम से कम हमको अंदाजा कि 40 साल 45 साल पहले। आई राजनीति में बसपा में मिनिस्टर बने तब नहीं याद आया बोलने के लिए, सपा में गए हैं तब बोल रहे हैं, भाजपा में थे तो क्यों नहीं बोले, 5 साल तो रसमलाई खूब चापे और उसके बाद अब बोली आ रही है, खाली है थोड़ा तो दम आ गया।